नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का गणित प्रश्नावली 9.2 अनुक्रम एवं श्रेणी, आज का जो चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी जो हमने कक्षा 10वीं में पढ़ी थी वह वाला भाग अपन लेके चलते हैं। तो आपको 9.2 यानी कक्षा 10वीं के सूत्र बताए गए थे, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए बी। तो जैसे ए ए प्लस बी ए प्लस टू बी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह आपकी क्या समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। तो उसमें ए है व्यापक पद, क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें ए क्या है, प्रथम पद, एन क्या है, पदों की संख्या है और डी क्या है, सार अंतर है, कॉमन डिफरेंस सार अंतर है, यानी कि कॉमन डिफरेंस है। इसे डिनोट करते हैं अपन इसे। अब अपन एक समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना, तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे n अपॉन 2 फॉर्मूला होगा 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। एक तो ये फॉर्मूला हो सकता है योग ज्ञात करने का, दूसरा फॉर्मूला हो सकता है क्या, s बराबर n अपॉन 2 a प्लस a n a प्लस a। अब जैसे आपका 9.2 का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है आपका, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 1 से 2000 तक के, क्या निकालना है, 1 से लेके 2000 तक के विषम पूर्णांक होना चाहिए। 1 धन 3 धन 5 विषम पूर्णांक पद कर रहे हैं और अंतिम पद क्या होगा 2000। आज में देखिए पहला पद क्या हो गया, 1, ठीक है, तो मालूम नहीं है ना ए कितना है, ये तो पता है 2000 एक लास्ट करने और डी क्या हो जाएगा घटा दें 3 ऋण 1 यानी कितना कॉमन डिफरेंस 2। पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, एन निकाल लेते हैं, क्या निकाल लें, एन निकाल लें, क्या निकाल लेते हैं, एन निकाल के चलते हैं। एन निकालने के लिए फॉर्मूला एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एन कितना है 2001 और ए क्या दिया हुआ है, एक, ए क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, एन याद करना है और डी कितना दिया हुआ है 2। एक काम करें इनको बढ़ा दें, ये कितने हैं 2001 हैं, कितने हैं 2001, 2001 में से एक घटा दिया तो क्या होगा n माइनस 1 इनटू 2, तो ये कितने हो गए 2000, कितने हो गए 2000 n माइनस 1 इनटू 2। अब इसमें n माइनस 1 और 2000 में भाग दे दिए जाएगा 2 पर, कितनी बार आएगा 1000 बार चला जाएगा। अब एक पक्षांतर कर दो तो 1000 धन 1 यानी कितना हो गया 1001। अब अपन क्या करना है, s ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। sn का फॉर्मूला क्या होता है, n / 2 an a plus n यूज कर सकते हैं। n कितना हो जाएगा 1001 बटे 2, ए कितना है प्रथम पद क्या है 1 और ए एन कितना है, ए एन यानी अंतिम टर्म लास्ट टर्म क्या दिया हुआ 2001। अब ये जोड़ लो 1001 बटे 2 गुणे कितने हो गए 2002 गुणा कर लें 1, ये भाग दे देते हैं 1। अब गुणा कर लो
1001 का 1001 में गुणा करें, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 1001 का 1001 में गुणा करेंगे, गुणा कर लो कितने हो गए 1 2 0 0 1, ठीक है ना, यही आएगा आपको गुणा, चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, दूसरा 100 तथा 1000 के बाद उन सभी प्राक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। अपने 100 और 1000 के बीच में 5 के गुणज लिखना है, ठीक है ना, 100 और 1000 के बीच में 5 के गुणज लिखना है, ठीक है ना। पहले तो अपन ऐसे ही करना पड़ेगा, 100 को पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर उनका योग ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। फॉर्मूला आप ध्यान रखें, कक्षा दसवीं में जो अपन ने यूज किए थे कोई फॉर्मूले इसमें रिपीट हो रहे हैं, आप याद कर लेने हैं, डिवाइड हो जाएगा, अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है आपका, 100 तथा 1000 के मध्य 5 की गुणज संख्याएं लिखनी है, ठीक है, 100 और 1000 के बीच 5 की गुणज संख्याएं, 100 और 1000 के बीच 5 की गुणज संख्याएं, गुणज संख्या क्या हो जाएगी, 105, 110, 115 और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट आएगा 993, बीच में आ रही ना ये। तो पहले अपन देख लें इसमें एक कितने होंगे, कुल पद कितने होंगे, पदों की संख्या कितनी होगी, पहले कितना हो जाएगा, एक कितना होगा आपका 105, एक कितना होगा 105 और डी निकाल लेंगे 110 माइनस 105 5 हो जाएगा, डी हो गया। और लास्ट टर्म क्या दिया है 995, ये 995 हो गया, ठीक है, ए एन यानी लास्ट टर्म क्या हो गया 995 हो जाएगा। तो ए एन बराबर क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन कितना लिया है 995 और ए कितना लिया है 105, एन माइनस वन और डी कितना है 5, 105 का डालो पक्षांतर कर लो, यानी 105 घटा दिए इसमें से, तो क्या होगा एन माइनस वन इंटू 5, ठीक है ना, तो क्या हो गया, ये घटाने से कितना आ गया, ये बचे कितने 890 बराबर 5 इंटू एन माइनस वन, तो एन माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा 890 बटे कितना हो जाएगा 5 का बराबर डालते हैं 5 1 5 5 7 35 5 8 40 एन बराबर क्या हो गया 1 7 1 + 1 यानी 179 हो गए 179। अब इनका योग ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अपन को, इनका योग ज्ञात करके चलना है। तो इसमें ऐसे बराबर फॉर्मूला लग जाएगा, ऐसे बराबर एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, एन कितना दिया 179/2 और ए कितना हो जाएगा 105 और ए एन कितना हो गया 295, ठीक है। आगे को क्या कर ले, जोड़ लो 179/2 और ये कितने हो गए, जोड़ने पर कितना आ जाएगा 995 में जोड़ देना है ये आपको, कितने हो रहे हैं
995 एन की 995 में 105 जोड़ना है, 5 5 10 9 से ले 10 9 से ले 11 से, ठीक है, 2 5 10 2 5 10 179 में गुणा कर लो 550 का, ठीक है ना, गुणा करने पर कितना आ जाएगा, गुणा कर ले तो 179 में 550 का गुणा किया, जीरो तो रहेगी, 5 9 45 की 5 हाँ सिर्फ 1, 5 7 35 और 1 36 यहाँ सिर्फ की 3, 5 1 5 3 8, 5 5 5 45 वहाँ सिर्फ की 4, 5 7 35 5 7 35 4 10 वहाँ सिर्फ की 3, 5 1 5 3 8 जो है 5 6 5 11 से ले 98 150 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 98 150 है ना, कितने हो रहे हैं गुणा करके देख ले ना, ठीक है ना, एक सौ उन्यासी दो इसमें अपने जोड़ देंगे 105, ठीक है ना, 995 में लास्ट टाइम क्या था 995 था ना, 105 जोड़ के अब इसको हल कर लेंगे आप लोग, ठीक है, जो भी आंसर होगा आपका ठीक कर सकते हैं सॉल्व। अब ऐसे ही आपको आगे प्रश्नावली को सॉल्व करना है, अगर कोई समस्या आए तो आप क्लास में आके मिल सकते हो।